नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्पेशल बुलेटिन फॉर बहुजन कम्युनिटी। इस प्रोग्राम में मिलती है आपको वो खबरें जिसे गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती है। तो शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें और जानते हैं आज क्या कुछ रहा मीडिया में। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के मोदी नगर में मस्जिद के इमाम और एक फेरी वाले मुस्लिम व्यक्ति के साथ दो लोगों द्वारा मारपीट एवं अपमानजनक धार्मिक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इमाम साहब ने खेत में छुपकर जान बचाई तो वहीं फेरी वाले को राहगीरों ने बचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। व्यक्ति सचिन और सनी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दूसरी खबर उदयपुर राजस्थान से निकलकर सामने आई है, जहां पर जातिवाद का मामला सामने आया है। एक बार फिर से राजस्थान के एक स्कूल में एससी बच्चों के साथ भेदभाव हुआ है। जब एक एससी बच्चे ने खाना परोसा तो कुक कालूराम गुर्जर ने कहा, ये नीच जाति का है, इनका छुआ खाना फेंक दो। बच्चों ने खाना फेंक दिया। फिलहाल कुक को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस प्रकार की जातिवाद की घटनाएं कब रुकेंगी? जातिवाद के नाम पर दलितों का कब तक शोषण होता रहेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा में ट्विन टावर को तोड़ने की खबर आपके सामने आई होगी, लेकिन अब एक चौंकाने वाली खबर आई है कि जो ट्विन टावर को जब वहां से तोड़ा गया, उस जगह पर भव्य मंदिर बनाने की मांग सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके मकान या फ्लैट उस ट्विन टावर में तोड़े गए हैं। नोएडा सेक्टर 93 एमएस सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त किए जाने के कुछ दिनों बाद एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के लोगों ने एक बैठक में प्रस्ताव लाया है कि उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। इस मंदिर में अन्य देवताओं के साथ रामलला और भगवान शिव की मूर्तियां भी स्थापित की जाएं। जानकारी के अनुसार सुपरटेक द्वारा बनाया गया एमरल्ड टावर का मालिकाना हक स्वामित्व अभी भी बिल्डर के पास ही है। अगर वह किसी भी तरह का निर्माण होता है तो उसे सोसाइटी के 2/3 लोगों की सहमति लेनी होगी। RWA के लोगों का कहना है कि सोसाइटी के लोग पूरी तरह से एसोसिएशन के साथ हैं और अगर इस पर फिर से कोई कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ने के लिए तैयार हैं। अगली खबर कश्मीर से। कश्मीरी गुर्जरों की मांग, सरकार अन्य जातियों को न करे ST में शामिल। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीर से आए गुर्जरों ने सरकार से मांग की, सरकार अन्य जातियों को ST में शामिल नहीं करे। कश्मीर के अंदर बकरवाल गुजर हैं जो पहाड़ पर रहते हैं, 6 महीने वो तलहटी में रहते हैं और 6 महीने बर्फीला इलाका जो बर्फ पिघल जाती है वहाँ चले जाते हैं, और उन लोगों के पास अपने मकान नहीं है, अपना कोई पक्का, उनके पास कोई एजुकेशन के लिए उनके स्कूलों में कहीं नाम नहीं है और वो बहुत पिछड़ी जाती है। तो उस ST के अंदर वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो कानून है, वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं, उसके अंदर ऐसी जातियों को शामिल कर रहे हैं जिन जातियों को बिल्कुल जो वहाँ पे पहले से संपन्न जातियाँ हैं। जिर बकरवाल कम्युनिटी जो है काफ़ी देर से जो है ऐसी डिस्क्रिमिनेशन सहती आई है। खाला जो इनका रहन सहन है वो ऐसा है कि ये गर्मियों में पहाड़ों पे चले जाते हैं अपने माल मवेशियों को लेके और सर्दियों में जो है वापस प्लेन्स में आ जाते हैं। तो विजयादशमी 5 अक्टूबर को 2 करोड़ बहुजन लेंगे बुद्ध धम्म की दीक्षा। आज दिल्ली सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के यहाँ सैकड़ों बुद्धिजीवियों का जमावड़ा लगा हुआ, जिसमें देश भर में हो रहे दलितों पर शोषण से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है इस पर भी विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर रतनलाल, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, हिमांशु कुमार आदि बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। इसी दौरान मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि 5 अक्टूबर को दिल्ली में बहुजन समाज के लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। जैसे लोगों को अपने बुजुर्गों के इतिहास के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग वापस, क्योंकि सब देख रहे हैं कि ये जाति की वजह से हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न है। आए दिन मूछ रखने पर हत्या हो रही है, घड़े छू लेने मात्र पर हत्या हो रही है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है, सो कॉल्ड अपर कास्ट के लड़की से शादी कर ली तो मार दिया, अभी उत्तराखंड की घटना है। तो इस तरह की जो घटनाएं हमें शर्मसार करती हैं, इससे दुख पैदा होता है। इसी वजह से हमने सोचा कि फिर अगर जाति में बने रह के जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा तो फिर हम इससे बाहर निकल आते हैं, हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस आते हैं। इसी संकल्प के साथ हमने इसको 4 चरण में बांटा। इस साल 5 अक्टूबर अशोक विजयदशमी 10/2022, जिसमें 10,000 तय किए थे लेकिन संख्या काफ़ी ज़्यादा जा रही है। अगले साल अशोक विजयदशमी 2023 को 1,00,000 लोग दीक्षा लेंगे। उससे अगले साल अशोक विजयदशमी 2024 को 10,00,000 लोग दीक्षा लेंगे और उसके अगले साल जो हमारा जो टारगेट है 2025 में 10 करोड़ लोग दीक्षा लेंगे। इसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हैं।
समाज के जो बाबा साहेब से प्यार करते हैं, जो अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाना चाहते हैं, हम उन सब का आह्वान करते हैं, आप आइए और अपने समाज को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि गुलामी फिर से हमारी तरफ बढ़ रही है तेज़ी से, गुलाम दोबारा बच्चे हमारे गुलाम ना बन जाए, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी हमसे फिर छिन जाए, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे भविष्य में। अगली खबर, बिहार से केस वापस नहीं लेने पर 9 साल के बेटे को इतना मारा कि अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब बिहार के भागलपुर में दलित महिला मंजुला देवी को डायन कहने पर FIR करना महंगा पड़ा। ये खबर ट्विटर पर द एक्विस्ट यानी कि वेद प्रकाश जी ने शेयर की है। तो आप देख सकते हैं साथी, देश भर में क्या कुछ चल रहा है और देश में किस तरह का माहौल है। एक तरह से जिन लोगों के आशियाना तोड़े जाते हैं वो लोग मंदिर की मांग करते हैं, हालांकि ये उनका निजी फैसला है, वो मांग कर सकते हैं, लेकिन मेरी साथ एक छोटा सा सवाल है कि जब उनका घर तोड़ा जा रहा था, जब बिल्डर गैर कानूनी तरीके से उनको ठग रहा था, तो ये भगवान क्यों नहीं आए। देश भर में दलित मुस्लिमों के साथ अप्रिय घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आपने देखा किस प्रकार से गाजियाबाद के मोदी नगर में एक राहगीर को भी नहीं छोड़ा जाता है और उनकी पिटाई की जाती है, और जो मस्जिद के इमाम होते हैं वो मतलब खेतों में जाकर के अपनी जान बचा पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में अपराधियों को जरा सा भी संकोच नहीं है। अभी देखिए आप, जालौर का कांड अभी शांत भी नहीं हुआ कि दूसरी घटना एक और राजस्थान से आ गई, जहां पर केवल दलित बच्चे द्वारा स्कूल में खाना परोसने पर वहां के जो कुक होते हैं, रसोईया होते हैं, वो कहते हैं कि इस खाने को फेंक दो, इस खाने को दलित बच्चे ने छू लिया है। तो देश में हो क्या रहा है? और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात साथी आपको बता दें कि जो लोग मतलब SC ST OBC और मुस्लिम में एकता की बात करते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि OBC के नादान लोग ही इस ऐसे अपराध करने में सबसे आगे आते हैं। ये मामला ही देख लीजिए आप, ये राजस्थान के मामले में कौन है इसमें आरोपी? इसमें आरोपी गुर्जर समाज का है। तो जो इन तमाम बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें भी ये जागरूक कार्यक्रम लगातार बढ़ाने चाहिए और सामाजिक स्तर पर इस प्रकार के अपने अपने समाजों में ये संदेश दें कि हमें SC ST OBC के साथ में आपस में एक दूसरे का शोषण नहीं करना है, झगड़ना नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है, SC ST पर सबसे ज्यादा शोषण कौन करता है, OBC या सवर्ण? जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर OBC करता है तो इसके क्या कारण है और इस पर कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो यह भी हम जरूर बताने की कोशिश करें। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।